केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 साल से बंगाल में पार्टी के प्रभारी रहे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दूसरी जिम्मेदारी देने का मन बना चुका है। अगर स्मृति ईरानी को भाजपा बंगाल का प्रभारी नियुक्त कर देती है तो 2014 के बाद यह पहला मौका होगा जब किसी केंद्रीय मंत्री को किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा। बंगाल भाजपा प्रभारी के लिए पार्टी को एक सक्षम, मजबूत और लोकप्रिय तथा संगठन में काम करने का अनुभव रखने वाली महिला नेत्री की जरूरत है, जो राज्य में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। पार्टी को यह तलाश स्मृति ईरानी पर खत्म हो रही है। वजह है स्मृति ईरानी की लोकप्रियता, जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ काम करने की क्षमता, महिला मोर्चा और केंद्रीय मंत्री के रूप में पिछले 6 साल का कार्य अनुभव, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपनी मेहनत के बल पर कांग्रेस के गण माने जाने वाले अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी को हराना। ये तमाम खूबियां भाजपा को यह विश्वास दिलाती हैं कि ईरानी आगामी वर्षों में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे बंगाल में भाजपा को मजबूत कर सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी धारा प्रवाह बंगाल भाषा बोलती है। वह बंगाल में वोटरों, खासकर महिलाओं, मतदाताओं में पार्टी की पैड बना सकती है। आपको बता दें कि तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा बंगाल के महिला वोटरों को अपने पक्ष में नहीं कर पाई। यह भी एक कारण रहा कि भाजपा अपने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। बंगाल प्रभारी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय का काम सराहनीय रहा है। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 42 सीटों वाले बंगाल में 18 सीटें जीती, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। ठीक वैसे ही 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली भाजपा ने विजयवर्गीय के नेतृत्व में 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें जीती। कुछ ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरें सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव आईपीटीवी के साथ। धन्यवाद।